राम राम जी आप सबको। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको ये दो रंग का डिज़ाइन बना के दिखा रही हूँ। आप इसको बच्चे के कार्डिगन में डाल सकते हो, लेडीज़ कार्डिगन में, जैकेट में, टॉप में, मफलर में, फ्रॉक में, कहीं भी डाल सकते हो। एक डिज़ाइन ये चार फंदे का है और दो सिलाई का है, एक सीधी एक उल्टी, दो ही सिलाई का डिज़ाइन है ये। बॉर्डर बना के जो पहली सिलाई में शुरू किया था, अब पहली सिलाई से बना के दिखा रही हूँ आपको। एक फंदा ये हमारा डिज़ाइन से अलग है, इसको बनाना चाहो बना लो, उल्टा सीधा जिस तरह बनाओ। दोनों कोने पे एक एक फंदा रख रखा है, उल्टा ही बना दिया ये फंदा भी। ये फंदा हमारा सिलाई के लिए है। फिर आगे पीछे धागा करके दो फंदे ऐसे सीधे बना लिए, दो फंदे सीधे बना लिए। फिर ये दो फंदे हैं जो, इन दो फंदों को हमें ऐसे अब पिंक धागे से बनाएंगे। एक दोनों फंदे के बीच से एक लंबा फंदा निकाल लिया इस तरह। पहले ये धागा अपनी तरफ करेंगे, यूं करके एक लंबा फंदा निकाल लिया और जाली बना ली। जाली बना के एक लंबा फंदा निकाल लिया। फिर अपनी तरफ एक बार फिर धागा करके अब ये दोनों फंदे इकट्ठे बना देंगे यूं। अब दो फंदे के चार फंदे हो गए हमारे, ये दो फंदे बटा दिए यहाँ, उल्टी सिलाई में कटा देंगे ये दो फंदे बड़े हुए। अब चार फंदे के छह फंदे हो गए, दो फंदे ये नीले, चार फंदे ये पिंक वाले, दो फंदे बढ़ गए पिंक वाले, हमें उल्टी में कटा देंगे ये। फिर आगे नीले धागे की बारी आ गई, दो फंदे सीधे बना दिए ये नीले। फिर आगे पिंक धागे की बारी आ गई, पिंक धागा अपनी तरफ करके ऐसे दो फंदे, पहला फंदा जो इसके पीछे से ही जाली बना लेंगे और एक लंबा फंदा निकाल लेंगे ऐसे। फिर एक बार फिर अपनी तरफ धागा करके जाली बना के दोनों फंदे हैं इकट्ठे डाल के एक बना दिया। अब ये चार फंदे हो गए, दो डिजाइन हो गए यहाँ तक। एक ही डिजाइन ये चार फंदे का, चार फंदे के हमने छह फंदे बना लिए, यही डिजाइन बना रहे हैं आगे बार बार हम। फिर आगे दो फंदे ये फंदे ऐसे करके सिलाई पे फिर बनाएंगे, नहीं तो इसी कूड़ा डिजाइन बनेगा। फिर एक दो खींच के नहीं बनाना ये। फिर अपनी तरफ धागा करके एक फंदे के पीछे से ऐसे लंबा फंदा निकाल लेंगे और जाली बना लेंगे पहले। फिर एक बार फिर जाली बना के दोनों फंदे इकट्ठे एक बना देंगे, चार फंदे हो गए ये। फिर आगे दो फंदे नीले बना लेंगे, एक दो। फिर पिंक वाला धागा अपनी तरफ करके एक फंदे के पीछे से ऐसे लंबा फंदा निकाल लेंगे और पहले जाली बना लेंगे। अब ये फंदा थोड़ा लंबा कर लेंगे, अभी ये निकाल लेंगे सिलाई में से। फिर एक बार फिर अपनी तरफ धागा करके दोनों फंदे इकट्ठे डाल के यूं एक बना देंगे और जाली बना लेंगे, चार फंदे हो गए ये। फिर दो फंदे नीले, एक दो। फिर पिंक धागे की बारी आ गई, अपनी तरफ धागा करके ऐसे एक फंदे के पीछे से सिलाई डाल के यूं, देखो फंदा नहीं बना रहे इसके पीछे से बना रहे हैं ये, जाली बना के एक लंबा फंदा निकाल लिया। फिर एक और जाली बना के दो का एक कर दिया। फिर दो फंदे नीले, एक दो। फिर जाली बना के एक फंदे के पीछे से लंबा फंदा निकाल लेंगे। फिर एक और जाली बना के दो फंदे का एक कर देंगे। फिर दो फंदे सीधे, एक दो। और ये कोने वाला भी उल्टा बनाओ सीधा बनाओ जिस तरह बना लो। अब आगे उल्टी सिलाई, दूसरी सिलाई, ये फंदा हमने इस तरह उतार लिया। फिर अपनी तरफ धागा करके अब ये फंदा हमने सीधी सिलाई में भी सीधा बनाया था, अब उल्टी सिलाई में भी हम ये फंदे सीधे बना देंगे, एक दो। फिर अपनी तरफ धागा कर लेंगे, अब ये पिंक वाला धागा पकड़ लेंगे। अब ये चार फंदे पिंक वाले, चार फंदे के हम दो बनाएंगे, दो का एक कर देंगे, फिर दो का एक कर देंगे।
वापिस हमने दो फंदे बना दिए। अब यही चार फंदे आगे बनाएंगे पूरी सिलाई में। फिर पीछे धागा करके दो फंदे सीधे बना दिए, फिर अपनी तरफ धागा कर लेंगे, फिर दो का एक कर देंगे, फिर एक बार फिर दो का एक कर देंगे, फिर ये नीला धागा पीछे करके ऐसे दो फंदे ये सीधे बना देंगे। ये दो फंदे सीधे उल्टी में भी सीधे बनाएंगे हम, इनको सीधे में भी सीधे बनाएंगे इनको। फिर दो का एक आगे, फिर दो का एक। अब ये फंदा पीछे रह गया हमारा, ये आगे करके यूँ, अब फिर पीछे कर लेंगे इसको दो फंदे सीधे, फिर वापिस आगे ले आए, फिर दो का एक आगे, फिर दो का एक, फिर ये धागा पीछे करके यूँ दो फंदे सीधे बना दिए ये, फिर वापिस अपनी तरफ ले आए। बस ये थोड़ा धागे का ध्यान रखना है। वैसे तो ये डिज़ाइन बिल्कुल आसान है, बनाया भी बहुत अच्छा लग रहा है और बनाने में भी बिल्कुल आसान है। दो फंदे सीधे, फिर अपनी तरफ धागा करके दो का एक, फिर एक बार फिर दो का एक, फिर पीछे धागा करके दो फंदे सीधे, फिर अपनी तरफ धागा करके कोने वाला फंदा उल्टा। अब ये डिजाइन दो सिलाई का है, दो सिलाई हमारी पूरी होगी, यही दो सिलाई बनाएंगे हम आगे बार बार। पहली सिलाई से फिर शुरू कर लेंगे, सीधी सिलाई, एक सीधी सिलाई होगी एक उल्टी सिलाई होगी, यही दो सिलाई बनाएंगे। ये देखो ऐसा बनेगा डिजाइन। हाँ जी, मेरा डिजाइन पसंद आए और बताने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।